नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं एमपी की 20 बड़ी खबरों के साथ। बंद होगा व्यापम, कमलनाथ सरकार वचन पत्र एक और वादा निभाएंगे। मध्य प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिहाज से अच्छे संकेत, आंकड़ा 7906 पर पहुंचा। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के पूर्व सपा सांसद जवाहर जायसवाल को दमोह से गिरफ्तार कर लेगी एसटीएफ। भारतीय देसी गाय के लिए मध्य प्रदेश में बनेगा पहला गोकुल ग्राम। शिकंजी में नशा मिलाकर करोतिया ने किया था दुष्कर्म। मध्य प्रदेश में अब छिंदवाड़ा बन रहा था प्रशासनिक सर्जरी का मॉडल, बदले गए हर स्तर के अधिकारी, भाजपा ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश का एक खास मंदिर जहां प्रसाद में चढ़ता है गांजा, फिर भक्तों में किया जाता है उसका वितरण। फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं दे सकती सीईआरटी, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। जबलपुर में कार में लिखा था पुलिस वाला, एएसपी ने काट लिया चालान। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी पर महिला खिलाड़ी ने लगाया पक्षपात का आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज और शिवराज सिंह चौहान ने बदले में भेजा इमोजी। इनकम टैक्स रेड पर फर्जी कंपनियों में घूमते रहे 260 करोड़ 5 शहरों में छापे हुए, उनसे खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश में आज से जमीन पर उतरेगी कर्ज माफी योजना, पंचायतों में लगेगी किसानों की सूची। मध्य प्रदेश में शिवराज को आम चुनाव में उतार सकती है भाजपा पार्टी। दोगुनी हुई मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय औसत से 2.4% ज्यादा। मध्य प्रदेश में बीआरटीएस हटाने की शुरुआत, सज्जन के बयान से पूर्व आईडीए अध्यक्ष बोले हादसों का रिकॉर्ड तो देख ले। अब तक 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही थी कमलनाथ सरकार। दमों से खरीद कर जबलपुर में बेचते थे अवैध हथियार, 2 तस्कर गिरफ्तार, हथियार जब्त। तो ये थी मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। कल हम फिर आएंगे कुछ राज्यों की बड़ी खबरें लेकर, तब तक करें इंतजार। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।